पटना में इसीलिए महिलाओं के लिए मेला, हम लोग तो फ्रेंड जैसे बिल्कुल जोन में, मतलब इस मेले में ये भी दिखा कि ग्राहक और खरीदार फ्रेंड जोन में है, समाज में एक अच्छा माहौल बना रही है, आत्मनिर्भर बन रही है, किसी की मोहताज नहीं है। आपके स्टॉल में स्पेशल क्या है? मेरा मेकअप ही स्पेशल है। हमारा यही उद्देश्य है, हमारा यही प्रयास है कि महिलाओं को आगे ले जाएं। जी वगैरह के लिए नहीं, मेरी बहू अभी नहीं है, अभी नहीं आई बहू। साज और श्रृंगार के मामले में महिलाओं से आगे भला कौन हो सकता है? जी हाँ, पटना में इसीलिए महिलाओं के लिए मेला लगा है और ये मेला है बहुत खास। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रही हैं पब्लिक ओपिनियन। महिला हार्ट पंख इस मेले का नाम है, भूमिहार महिला समाज की तरफ से पूरा मेला लगाया गया है। तो आप मेरे चारों तरफ थोड़ा सा हमको आपको तस्वीर दिखाते हैं। आप ये देखिए मेरे पीछे, आप इधर चारों तरफ तस्वीर देखिए, आपको महिलाएं खरीदारी करती नजर आएंगी। तो चलिए इन लोगों से जानते हैं, कोशिश करते हैं बात करने की कि इनकी क्या पसंद है और ये लोग क्या चीज़ खरीदे हैं। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूपा है। रूपा जी, पहले तो बताइए, मेला जब ऐसा महिलाओं के लिए स्पेशली लगता है, कैसा लगता है? बहुत बढ़िया लगता है। बढ़िया लगता है। हाँ। तो क्या आज खरीदने वाली हैं आप? नहीं, हम स्टॉल लगाए हैं। ये आपका स्टॉल है? स्टॉल है आपका? स्टॉल है ग्राहक? हाँ, ग्राहक। अरे आप लोग तो फ्रेंड जैसे बिल्कुल जोन में, मतलब इस मेले में ये भी दिखा कि ग्राहक और खरीदार फ्रेंड जोन में है। हाँ, एकदम फ्रेंड, सही बात है, बिल्कुल। बहुत। तो आपने किस चीज़ का स्टॉल लगाया हुआ है? ये? मेरा ब्लाउज का है। ब्लाउज का मैन्युफैक्चरिंग है मेरा एक्चुअली। अच्छा। और हैंड पेंटिंग और हैंडवर्क का भी काम करते हैं हम लोग। ओके, आपने ब्लाउज खरीदा इनसे? क्या नाम है आपका? रूबी सिंह। कहाँ रहती हैं आप? यहाँ कंकड़ बागे लैसी को। अच्छा, तो आप इनके जो प्रोडक्ट आपको पसंद आ रहे हैं? बहुत पसंद आया। डिजाइन भी बहुत अच्छा है। कितने जोड़े खरीद लिए? ऑर्डर तो बहुत दे दिए, अभी दो जोड़े खरीदे। अच्छा, तो घर में अपने लिए ले जा रही है, सबके लिए कुछ कुछ? तो अपने लिए ले जाए, कल लाएंगे तो और सबके लिए ले जाएंगे, लेकर जाएंगे। बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो देखिये यहाँ पर तमाम महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। तो देखिये और भी लोग खरीदारी कर रहे हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। हेलो मैम, क्या चीज खरीद रही है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर शारिका। और तो स्पेशली क्या कुछ आज आपने खरीदा है? हम यहाँ से तो ज़्यादा ब्लाउजेस ही पसंद कर रहे हैं। विमेंस के लिए जब ऐसे स्पेशल मेले वगैरह लगते हैं, स्टॉल्स वगैरह लगते हैं, तो अच्छा फील होता है? क्यों नहीं, एनी बीइंग अ वुमन, हम क्यों नहीं अच्छा फील करेंगे जहाँ पे है, हम आई एम सीइंग विमेन आर वर्किंग हार्ड फॉर देयर एग्जिस्टेंस। एंड नॉट ओनली कि वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए वो काम कर रही हैं, वो समाज में एक अच्छा माहौल बना रही हैं, आत्मनिर्भर बन रही हैं, किसी की मोहताज नहीं है। आज महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए पूरा स्टॉल सब कुछ चलाया जा रहा है। एक आप डॉक्टर हैं, हम जानते हैं आपको, एक जानी मानी आप डॉक्टर हैं, तो एक डॉक्टर जब क्या कपड़े खरीदने आती है तो क्या किस तरह से खरीदती है, मतलब क्या जांच परख करती है? जैसे आप मरीज की जांच परख करती है ना, तो कपड़ों की जांच परख भी करती होंगी? नंबर वन कि वो देखने में कैसा लगेगा। हाँ। और नंबर टू मेरे को अटेगा कि नहीं। अटेगा कि नहीं, बहुत अच्छी बात। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है मैम आपका? मैं अमरावती सिंह। मैं यहाँ जो आयोजक है भूमिहार महिला समाज, मैं उसकी सलाहकार समिति की मेम्बर हूँ। मैम, आप किस मकसद से आप लोग इस तरह के हार्ट लगाती हैं? आप जैसे देख रही हैं ना कि महिला हार्ट के नीचे लिखा हुआ है पंख, मतलब इस हार्ट का नाम है पंख। जी, जी। तो महिलाओं को पंख दिया जा रहा है ना। आपको पता है कि हमारे समाज में महिलाएं कितनी टैलेंटेड हैं, लेकिन उनको कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है जहाँ से वो आगे बढ़ सकें। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि चलो उनका एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ से बहुत सारे लोग उनसे एक्वेंटेड हों, उनके कामों को देखें, लोग जानें कि उनमें कितनी क्षमता है, और एक उनको प्लेटफॉर्म मिले जहाँ से उनको मोटिवेशन मिले। तो बस हमारा यही उद्देश्य है, हमारा यही प्रयास है कि महिलाओं को आगे ले जाएं। जी, हम देख पा रहे हैं कि इस मेले में बहुत सारे लोग आए हुए हैं और लोग काफ़ी इंटरेस्ट लेके यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो देख, ये जो आपका ये जो सारा प्रोडक्ट बिकता है, कितना तक अर्निंग हो जाता है एक नॉर्मल स्टॉल में? एक महिला की अगर हम बात करें, कामगार की अगर हम बात करें, उसको ठीक ठाक हो जाता है कमाई? तो ठीक ठाक हो जाता है कमाई लेकिन कितना तक हो जाता है, दिस इज हाईली कॉन्फिडेंशियल। डेफिनेटली वी कांट शेयर, बट ये अच्छी बात है पूरे भी। अगर अगर आप देख लीजिए, अगर इनको नहीं फायदा होता तो इतने सारे 45 स्टॉल्स हैं, 45 उसके बाद भी हमारे यहाँ बहुत लोग आ रहे थे स्टॉल्स के लिए, लेकिन सब फुल हो चुका था इसलिए नहीं मिल पाया। तो अगर फायदा नहीं हो तो लोग इतना स्टॉल क्यों लगाए? पूरे बिहार में कहाँ कहाँ और आप लगा चुके? हमारे पूरे इंडिया में भूमिहार महिला समाज का ऑर्गेनाइजेशन है।
तो आप पूरे देश भर में लगाते हैं? देश भर में वहाँ का यूनिट लगाता है, जैसे पटना का यूनिट यहाँ पे लगा रहा है, मुजफ्फरपुर का यूनिट वहाँ पे लगाएगा, गुजरात यूनिट वहाँ पे, सभी यूनिट अपने अपने जगह पे लगाते हैं। हम लोग सिर्फ आर्ट ही नहीं लगाते हैं, हम लोग बहुत सारे सोशल वर्क करते हैं, सोशल वर्क भी करते, जैसे गर्ल्स एजुकेशन पे हम लोग काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं, हम लोग लेडीज हेल्थ करते हैं, हम लोग स्लम एरिया में जा करके उनका हेल्थ चेकअप कराते हैं। अभी आपने देखा ना डॉक्टर सारिका राय हुई थी, ऐसे हमारे समाज में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनको हम लोग ले जा करके काफ़ी हेल्थ चेकअप भी करवाते हैं हम लोग। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो दर्शकों देखा आपने कि ये जो महिलाओं के लिए खास तौर पर स्टॉल बनाया गया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और ना सिर्फ महिलाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से बल्कि महिलाओं के जीवन को और रोचक बनाने के लिए भी इस तरह के आयोजन होते रहते हैं। यहाँ पर कुछ और लोग उनसे बातचीत करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? किरण। कहाँ से आई हैं आप? यहीं की हैं। आपका स्टॉल है? नहीं, मेरा खरीदारी करने आई हैं। क्या खरीदने वाली हैं आज? यही शॉल देख लो, शॉल वगैरह लेने आई है। अच्छा लग रहा है मेले में? पसंद आ रहा है? बहुत अच्छा। क्या नाम है चाची आपका? आराधना प्रसाद। कहाँ से आई हैं आप? जगत नारायण रोड से। अच्छा, तो क्या खरीदा आज आपने? खरीदे नहीं, अभी आए ही। आए, क्या सोच के आई, क्या लेंगी? जो अच्छा लगे देख रहे हैं, स्टॉल वगैरह देख रहे हैं, स्टॉल वगैरह देख रहे हैं। तो अपने लिए लेने आई है, बहू वगैरह के लिए? मेरी बहू अभी नहीं है। अभी नहीं आई बहू? अच्छा, चलिए तो अपने लिए लीजिए। चलिए बहुत अच्छी बात है। कुछ लड़कियाँ भी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे लड़कियाँ भी हैं, स्टॉल लगाया, मेकअप का लगाया, तो मेकअप के बारे में तो बहुत सारी लड़कियाँ देखिए यहाँ पे बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम पायल है और मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। पायल जी, हम देख पा रहे हैं कि आपने बहुत कुछ सजाया हुआ है, ये बताइए लड़की को अट्रैक्ट करने के लिए आज आपके स्टॉल में स्पेशल क्या है? मेरा मेकअप ही स्पेशल है सब चीज़, क्योंकि हम बुकिंग्स भी लेते हैं सारा ब्राइडल मेकअप और सारी चीज़ों को, और हम एजुकेटर भी हैं, हम क्लासेस भी देते हैं, तो बिना कुछ प्रोडक्ट डिस्प्ले किए तो लोग अट्रैक्ट होंगे नहीं, तो बस जस्ट हम यहाँ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं। किसी को जानना है मेकअप के बारे में और देखना चाहते हैं कैसा है, क्योंकि लोग डरते हैं मेकअप करवाने से, तो हाँ कि किस पता नहीं कैसा कर देंगे, तो बिल्कुल जब तक वो देखेंगे नहीं वो समझेंगे नहीं कि हम क्या करते क्या है, तो वो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है। और प्लस आप अगर कोर्स मेरे यहाँ करना चाहते हैं सर्टिफाइड कोर्स जो, तो आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप ना सिर्फ कपड़े खरीदिए बल्कि मेकअप भी करवा लीजिए, सब कुछ है इस मेले में, और जो पूरा श्रृंगार है वो इस मेले में उपलब्ध है। कपड़े ले लीजिए, मेकअप करा लीजिए और सज धज कर घर जाइए। चलिए हम लोग अपने इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और खूबसूरत तस्वीरें दिखाई हमने आपको, कैसी लगी ज़रूर बताइए। इस वीडियो को खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। नमस्कार।